हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली गाजर का अचार। मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया है और इनको इक्वल शेप में कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये मैं बनाने जा रही हूँ झटपट से बनने वाला अचार। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अचार का मसाला बनाया है। तो जो मैंने राई, सौंफ, जीरा पाउडर, लौंग, काली मिर्च और एक दो मसाले और लिए हैं, राई वगैरह, तो मैंने इनको अच्छे से रोस्ट कर लिया है। और उसके रोस्ट करने के बाद ठंडा हो गया है, इनको मैंने पीस लिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इधर मैंने हल्का सा ऑयल डाल लेती हूँ और उसके बाद मैंने गाजर और मूली को इसमें ऐड कर दिया है और ऊपर से मैंने मसाला भी ऐड कर लिया और हल्का सा नमक और ऐड कर लेती हूँ। गाजर मूली का अचार इंस्टेंट बन के हो गया है रेडी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा फ्लेवर वाली है। काफ़ी सारी चीज़ें डाली थी। तो जो मैंने ये मसाला बनाया था, ये इसकी रेसिपी मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका ये वाला अचार बहुत अच्छा लगेगा और आप इसको तुरंत खा सकते हैं। तो देखिए, बन के हो गया है रेडी। फ्रेंड्स, इस अचार को आप एकदम से खा सकते हैं और अगर आप चाहो तो इसको आप लंबे टाइम के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। इसका जो टेस्ट है वो ऐसे ही बना रहेगा। टायर्ड हो गए श्री? नहीं। नहीं, तो फिर आप स्कूटर राइड क्यों नहीं कर रहे हो? आप अपना स्कूटर को वॉक करा रहे हो? फ्रेंड्स, आज बहुत अच्छा मौसम है तो मैं श्री को वॉक कराते कराते लेके आ गई हूँ। तो श्री बहुत ज़्यादा खुश है। ये देखिए, आप देख सकते हैं उसे ठंड जैकेट भी पहनी हुई है, ग्लव्स भी, पर टेम्परेचर ठीक है, हवा भी नहीं है। तो अभी हम लोग श्री और मैं करते हैं एंजॉय। गुड, चलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक चीज़ नई दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सामने से जो ट्रक आ रहा है, आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ दिखा रही हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स, ये है जो रोड्स को क्लीन करता है। तो ये देखिए, इस तरह का ट्रक होता है। तो वैसे तो फ्रेंड्स, यहाँ की जो नॉर्मली मेरे को सड़क लगती है वो बहुत ज़्यादा साफ सुथरी होती हैं, एकदम क्लीन होती हैं। और यहाँ के जो लोग होते हैं वो किसी भी तरह की गंदगी नहीं करते रोड्स पर, और धूल तो यहाँ पर होती ही नहीं है बिल्कुल ही, मेरे को बहुत कम धूल देखने को मिलती है। पर उसके बाद भी ना यहाँ पे इस तरह से रोज की रोज सफाई करते हैं। तो ये जो है, इस तरह का ट्रक होता है और ये रोड्स को डेली क्लीन कर देता है। तो यहाँ पे किसी भी तरह की रोड्स पे कोई भी गंदगी नहीं मिलती है। अगर छोटी मोटी गंदगी होती है या कोई कूड़ा वगैरह होता है तो वो इस तरह से क्लीन कर देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेन रोड में भी जा रहा है और अंदर अंदर ऐसे सोसाइटियाँ होती हैं, तो वो एक एक करके एक एक जगह से होता हुआ इस तरह से क्लीन करता हुआ जा रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतने इजीली हो रहा है और इसीलिए यहाँ की ना रोड्स बहुत ज़्यादा क्लीन होती हैं, किसी तरह की कोई गंदगी नहीं होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे को बहुत अच्छी लगी है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी सारे पेड़ एकदम सूख गए हैं। अभी कुछ टाइम पहले कितनी हरियाली थी, कितना सुंदर लगता था व्यू भी देखने में, और इनके जो कलरफुल पेड़ थे वो भी बहुत अच्छे लगते थे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम आजकल कैसा वेदर हो रहा है, कैसे व्यू है। हम अभी कुछ दिन पहले इंडिया वीडियो कॉल कर रहे थे तो वहाँ पे बच्चों ने देखा कि वहाँ पे गन्ना खा रहे थे, तो लावे को तो पता है गन्ना क्या होता है। तो श्री का मन करा कि मुझे भी गन्ना खाना है। तो देखो, हम फिर इंडियन स्टोर गए और हमने कहा चलो बच्चों को ट्राई कराते हैं। वैसे बच्चे तो क्या ही खाएंगे, पर देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो लावे को तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही है कि मेरे को गन्ना खाना है। तो श्री को तो पता रहता कि ये कोई चीज है, डंडा वंडा पिटाई करने की, इस चीज समझ रही थी। पर अभी हमने समझा ये गन्ना होता है खाने के लिए। तो देखो, मैंने थोड़ा सा इसको दिया तो च्यू कर रही है आराम से और कह रही है मेरे को ग्लास में दे दो निकाल के जूस। तो मैं इसको ऐसे ही इसका पील करके निकाल कर दूंगी और ये आराम से खा पाएगी। तो लावे तो बहुत अच्छे से खा लेती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी गन्ने की कंडीशन है। तो अच्छा लग रहा देखने में और मैंने अभी दो निकाली थी तो सॉफ्ट था। तो चलो, बच्चों को खिलाती हूँ, इंजॉय कराती हूँ देसी गन्ना। बच्चों को पता चलना चाहिए कि गन्ना क्या होता है। देखो लावे लोग ना, देखो मांची खा के देखो कैसा है, सॉफ्ट है ना, जूसी है। हाँ, शी को ट्राई करना है। शी के लिए तो मुश्किल हो जाएगा। शी क्या होता है ये? जूसी तो होता है, डंडा होता है, गन्ना होता है। पिटो डंडा पिटो के लिए? हाँ। श्री की पिटो के लिए? ना। किसकी पिटो? ये गन्ना होता है, पिटो करने का नहीं होता। चलो लावे, आप खाओ, मैं फिर निकालती रहूंगी। लावे को तो आज बहुत अच्छा लग रहा है गन्ना मिलके, उसको गन्ना बहुत ज्यादा पसंद है।
कितना अच्छा भी है, सॉफ्ट भी है और जूसी भी है। देखो ये गन्ना खा रही है लाव्या तो, और ये शी कर रही है गन्ने के साथ पिले। इसको मैंने थोड़ा सा दिया है, खाया जा रहा, गाना गा रही है। What is this? गाना, yes। इसको माइक की तरह यूज कर रही है, गाने गा रही है। जूसी है, जूस आ रहा है। Do you like this? ये क्या हुआ? स्टिक हो गया। लावेश्री बहुत अच्छे से दोनों के साथ खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा खुश होके, और दाल तो दोनों बहुत अच्छे से खुश होके खाती हैं। शी को दाल अच्छी लगती है ना, और शी को कुकुमर भी अच्छा लगता है। दाल के साथ खा रहे हो? ओके। और ऐसे खा रहे हो? हाँ तो। ओके।